बेसिक पॉइंट यहाँ पर ये हिस्ट्री जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू सिक्स मॉड्यूल्स, ठीक है। सिक्स कैसे कैसे? एंशंट, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। सो इट्स डिवाइडेड इनटू सिक्स बेसिक मॉड्यूल्स। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब जो इसमें से एंशंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है प्लस आर्ट एंड कल्चर है, ठीक, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सब जो चीजें हैं दे आर बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों के लिए है, ठीक। अब सेकंड इसमें आता वर्ल्ड प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये मेनली फॉर मेंस, मोस्टली फॉर मेंस है, लेकिन यूपीएससी का पैटर्न नजर देखते हुए वी कैन नॉट कैटेगराइज एंटायरली फॉर मेंस, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दे आर मेनली कन्फाइंड टू द मेंस, बट प्रीलिम्स के अंदर भी उसके क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसी तरह पोस्ट वर्ल्ड के फिर भी नहीं होंगे, जो होंगे मेनली पोस्ट के, फिर भी तुम्हारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर हो सकता है कि क्वेश्चंस हो, ठीक है। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है दैट इज जस्ट नॉट अबाउट हिस्ट्री, दैट इज अबाउट योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, दैट इज अबाउट योर पॉलिटी ऑल्सो, दैट इज अबाउट योर इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो चार पांच जो चीजें हैं उसके अंदर तुम कवर करोगे क्या? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक। तो ये थी बेसिक डिलिनिएशन ऑफ द हिस्ट्री सिलेबस, ठीक। अब बात आती है कि स्टार्ट कैसे करा जाए, क्योंकि ये फ्रेश बैच है, सो आई हैव टू वंस अगेन गिव यू पीपल द होल आइडिया कि इसको स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने का बेसिक मोटिव, यहाँ बेसिक तरीका ये है यहाँ पे स्टार्ट करने का, कि एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन सब की बेसिक एनसीईआरटीज कंप्लीट करते रहो। जैसे तुमने ऑलरेडी जो मॉर्निंग वाला बैच है उसने ऑलरेडी मॉडर्न की क्लास 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट करी, उसके बाद से चीज़ें समझना आसान रहती हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो सिमिलरली जब हम अब एंशंट की बात करेंगे तो व्हाट यू पीपल नीड टू डू इज यू नीड टू कवर क्लास 6 एनसीईआरटी, mainly new NCERT. What do people need to do is new NCERT. ठीक, new NCERT में क्या है कि जो basic new analysis हैं, trends हैं, meanings हैं, writing style है, that is already given in the new NCERT. ठीक, तो वो भी एक चीज है about which we have to be little careful about. ठीक, और अब क्योंकि आज है क्या मंडे, by next Monday, 1 week क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं होगी? क्लास 6 एनसीईआरटी हो जानी चाहिए कंप्लीट, आई सपोज कि हो जानी चाहिए, तो हो तो जानी चाहिए 2 दिन में, लेकिन एटलीस्ट कि अगर जिसको नहीं आइडिया बिल्कुल भी, तो आई एम गिविंग यू वीक टू रीड एंड कंप्लीट द एंटायर एनसीईआरटी, नॉट वंस बट ट्वाइस, दैट इज द बेसिक आइडिया, यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर आइडिया ट्वाइस, ठीक। सो दैट इज द बेसिक थिंग, फिर आगे आगे देखेंगे, जैसे मेडिवल पे पहुंचेंगे, मॉडर्न पे पहुंचेंगे, आर्ट एंड कल्चर पे पहुंचेंगे। हाँ, इसी तरीके से, उसी के तरीके से देखो कैसे वर्ण कम। जब हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? आर्ट एंड कल्चर रिफ्लेक्ट द सोसाइटीज इकोनॉमी, सोसाइटीज पॉलिटी एंड सोसाइटीज आइडियोलॉजी, ठीक। When we talk about, for example, the Mauryan Empire, ठीक है, when you talk about the Mauryan Empire, so that was an amalgamation of Buddhist, Jain and Hindu ideas, तो उस तरीके से हम वहां पर वो चीजें देखते हैं। जब हम गुप्ता टाइम की तरफ जाते हैं तो we see the advent of temple architecture, तो वो था पहले भी, मगर इनके आने से क्या हुआ, उसमें थोड़ा और इंक्रीज हो गया temple architecture के अंदर, ठीक। तो इस तरीके से वो चीज है, तो आर्ट एंड, और इसके बाद एक बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे मिडिवल है, व्हेन यू लुक एट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ अकबर और यू लुक एट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ शाहजहां, दोनों में बेसिक फर्क क्या है, दोनों मैसिव हैं, मगर एक में लग्जूरियस प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज कर रखे हैं और एक में एक बेसिक आइडिया दे रखा है। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी जो है, योर इकोनॉमी इज मच मोर फ्लरिशिंग एज कंपेयर टू अकबर्स इकोनॉमी, क्योंकि शाहजहां के टाइम पे यू आर यूजिंग दिस होल आइडिया ऑफ मार्बल, और जो मार्बल है दैट इज अ मच मोर एक्सपेंसिव मटीरियल एज कंपेयर टू दिस सैंडस्टोन एंड अदर ग्रे सैंड। और इसी सैंडस्टोन से याद आया,
तुगलक्स. तुगलक्स वर एक्चुअली नोन एज द क्राइसिस पीरियड. सो तुगलक्स के जब हम मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, दे आर मेनली द मॉन्यूमेंट्स विच आर देयर फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस. ठीक है, दे आर फॉर द डिफेंस ऑफ द सिटी. एंड साथ साथ में जो उनका रॉ मटेरियल यूज हुआ है, दैट इज ग्रे रेड ग्रे सैंडस्टोन, विच इज नॉट वेरी लग्जूरियस इन नेचर. नाउ यू अंडरस्टूड आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से. म्यूजिक, आइडियोलॉजी, सब चीजें उसी टाइम पे एग्जैक्टली साथ साथ डेवलप होती हैं. परफेक्ट है. आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से, इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं. ऐसे एंशियंट पढ़ा हमने, एंशियंट में हमने पढ़ने जो जो टॉपिक्स, उसका आर्ट एंड कल्चर भी साथ में कर सकते हैं. ठीक है, आई प्रेफर कि अलग करें. ठीक है, एटलीस्ट आई विल गिव यू बेसिक आइडिया. बेसिक आइडिया किस तरीके से कि हम इसको ये इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, वो कर करके वी कैन डू दिस. ठीक, परफेक्ट है. आर्ट एंड कल्चर समझ आ गया. मिडिवल एवरीबडी अंडरस्टैंड्स एंड मॉडर्न तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स नाउ. सो यू हैव एनी बी, आई थिंक यू हैव बीन हेयर बिफोर. अच्छा, यू ओके. एवरीबडी वॉज ऑन अ ब्रेक, राइट? आई एम ऑल्सो ऑन अ ब्रेक. लंबा सा है थोड़ा, लेकिन मेरा समझ आई बात, क्लियर है. एंशियंट के बारे में समझ आ गया. अब एंशियंट की बेसिक टेक्स्ट को पूरा करने के बाद व्हाट यू पीपल नीड टू डू इज, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास 6th एनसीईआरटी, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू क्लास 11th और 12th, वट एवर इट इज. बट द एनसीईआरटी हैज बीन रिटन बाय आर एस शर्मा. एनसीईआरटी हैज बीन रिटन बाय आर एस शर्मा एंड दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी. ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा. ठीक, अगर आर एस शर्मा है तो ठीक है. अगर किसी को रोमेला थापर की ओल्ड एनसीईआरटी मिलती है ना, अगर रोमेला थापर की मिलती है इंस्टेड ऑफ आर एस शर्मा, सो दैट इज अ लिटिल बेटर एज कंपेयर टू द राइटिंग्स ऑफ आर एस शर्मा. अब वो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कौन सी पढ़ना चाहते हो. मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर आर एस शर्मा, बट रोमेला थापर हैज ऑल्सो रिटन अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज, तो इससे तुम उसको यूज कर सकते हो. ठीक, वन ऑफ देम फॉर एंशियंट, इधर दिस और इधर दिस. ठीक है, परफेक्ट है. अब बात आती है उसके अलावा क्या. एंड देन द लास्ट थिंग इज सेलेक्टेड पेजेस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी. सेलेक्टेड पेजेस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी. ठीक, पूरी नई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है. व्हाट यू ओनली नीड टू डू इज यू नीड टू रीड द सिलेक्टेड पेजेस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी. वो सिलेक्टेड पेजेस कौन से होंगे, दैट आई टेल यू इन द क्लास इटसेल्फ. और तुमने एक चीज देखी, लास्ट 3 इयर्स से यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहा है, टू फोकस मोर ऑन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. यूपीएससी में यही ट्रेंड रहा है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा. कल भी जो एग्जाम हुआ था ईपीएफओ यूपीएससी, तो उसके अंदर भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. इनफैक्ट उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कल के एग्जाम में, टू विच गॉड इज द केव नंबर 16, तुम्हारे आर्ट एंड कल्चर में से, टू विच गॉड इज द केव नंबर 16 ऑफ द अलोरा डेडिकेटेड टू, दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बिकॉज दैट केव इज नोन एज कैलाश नाथ. और वो जो टेम्पल है केव नंबर 16 पे, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल. मोनोलिथिक का मतलब होता है सिंगल रॉक से बनाया हुआ. और सबसे स्पेशलिटी क्या थी, सब चीजें नीचे से ऊपर बनती हैं, वो ऊपर से नीचे रॉक को काटते काटते लेके आए थे. एंड दैट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर रूलर नोन एज राष्ट्रकूतास. ठीक, क्लियर है, समझ आया कि किस तरीके से चीजें क्या क्या यहां पर पढ़नी है. क्योंकि आज ओरिएंटेशन क्लास है, वी आर गोइंग टू टेक इट नाइस एंड स्लो, ओनली टिल 5:30. ठीक है, उसके बाद से वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द एंटायर फ्लो. ठीक, क्लियर है, तो समझ आ गया. सेलेक्टेड पेजेस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th आर एस शर्मा. कोई प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ भी नहीं. इसके अलावा यू डू नॉट नीड मच. अब लोग कहते हैं कि सर ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर पढ़ना है तो फिर उपेंद्र सिंह भी पढ़ लेना. उपेंद्र सिंह इज लाइक, इट्स वेरी गुड बुक, बट दैट इज समथिंग नॉट सजेस्टेड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज मोर फॉर ऑप्शनल एग्जामिनेशन. अगर तुम्हें और ज्यादा पढ़ने का मन है ही ना कि हमें तो पढ़ना ही है, अगर किसी का अंदर से इच्छा जाग रही हो, तो इग्नू नोट्स पढ़ लेना. इग्नू नोट्स दे आर गुड. किसी ने ग्रेजुएशन करा इग्नू से, कुछ भी करा इग्नू से नहीं, तो इग्नू नोट्स जो है ना, कभी देखना, ऑनलाइन आराम से मिल जाते हैं. दे आर प्रिटी गुड एंड दे आर सिस्टमाइज्ड ऑल्सो. जैसे हम कॉलेज में क्या करते थे, व्हेन वी वर इन कॉलेज,
ठीक है. तो वी यूज टू रीड टू और थ्री बुक्स फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. नोट्स मेरे से बनते नहीं है, दैट इज फॉर श्योर. सो वॉट वी यूज टू डू इज वी यूज टू गेट द इग्नू नोट्स, इग्नू नोट्स के अंदर पढ़ा और उसके बाद रिवाइज हो गया एंड देन वी राइट इन द एग्जाम. तो इग्नू नोट्स आर प्रीटी ईजी, सिंपल एंड वेल मैनेज्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. लैंग्वेज बहुत सिंपल है उसकी, अगर किसी का पढ़ने का मन करे तो. बाकी दिस इज मोर देन इनफ. अगर अभी भी मन नहीं भरा है तो आई कैन सजेस्ट यू हर एक टॉपिक के लिए दो तीन बुक्स आराम से हो ही जाती हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ा था. बिकॉज यू आर नॉट डूइंग पी एच डी ओवर हेयर, सो वट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कीप योर रिसोर्सेज टू द मिनिमम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन टू द मैक्सिमम. तो सबसे पहले एक टॉपिक खत्म करा, अभी नहीं क्लास सिक्स के एनसीईआरटी नहीं, जब तुम सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लोगे, एक चैप्टर खत्म करा, लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज में क्या आया हुआ है. अब जो स्टार्टिंग हम करेंगे उसके अंदर मैं तुम्हें ऑलरेडी एक चीज और बता दूंगा कि ये प्रीलिम्स के लिए चैप्टर है या ये मेंस के लिए चैप्टर है या दोनों के लिए चैप्टर है. से प्री हिस्टोरिक एज है, प्री हिस्टोरिक एज मतलब कि जिसमें स्टोन एज भी कह सकते हैं जिसको हम, वो सिर्फ चैप्टर किसके लिए हर्षिका, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए है. हरप्पा फॉर बोथ. उसके बाद चैप्टर एक आता है वैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो भी दोनों के लिए, टिक प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी है. मॉरियंस मेंस के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है. तो इस तरीके से चैप्टर्स का डिविजन्स भी कर लेंगे, विच आर द चैप्टर्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, विच आर द चैप्टर्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस. साथ साथ में एक चीज और तुम्हें करनी है, क्या वो करनी है, एवरी डे न्यूज पेपर ओनली फॉर मी द फैक्ट्स ओनली रिलेटेड टू द हिस्ट्री पोर्शन. जैसे अभी रिसेंटली क्या है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वैसे तो वो, देर देर रिसेंटली अ वेरी रेनाउंड म्यूजिशियन, आई डो नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम बिकॉज वही नॉर्थ ईस्ट डो नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ द साउथ ईस्ट. तो पॉइंट इज उसका जो नेम है आई कांट प्रोनाउंस, ठीक है, मुझे दो तीन दिन लगेंगे क्लैरिफिकेशन आने में उसके. तो वो ही वॉज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ मृदंग. मृदंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ किसी और लोगों से पूछा मृदंग, तो मृदंग मुझे आंसर आया मृदंग. मृदंग इज दिस, इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट विच इज ढोलक, उसका एक फॉर्म होता है पखवाज. एंड मृदंग इज समथिंग विच इज यूज इन द कर्नाटिक म्यूजिक. हम एक चीज और पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, इंडियन म्यूजिक विच इज बेसिकली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक. अब जो कर्नाटिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बिना क्या म्यूजिक, या नहीं? नहीं ना. इन फैक्ट अगर हम गुरबानी भी देखें अनमोल प्रीत, तो उसके अंदर भी हम म्यूजिक ही तो एक तरीके से, भक्ति का आइडिया क्या था, सिखिज्म का आइडिया क्या था, कनेक्ट करना लोगों के साथ उस भाषा में जिसमें वो समझें, उस तरीके से जिससे वो ज्यादा कनेक्ट हो पाए. जैसे हम मंत्र हैं, सब कुछ है, हम कनेक्ट कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन जिस वैसे भजन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं ना. जैसे भगवान कृष्ण हैं, उनसे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके जो शिव कृष्ण भक्ति, द होल आइडिया विच स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट यू से बंगाल, चैतन्य महाप्रभु, अभी देखेंगे सब चीज़ें. तो इसलिए मृदंग जो है, मृदंग इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में हो सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कोर्स वर्क. तो इस तरीके से भी हमें देखना है कि एंशियंट में जो तुम्हारा क्या कहते हैं सर करंट अफेयर्स हैं, एंशियंट हो चाहे मेडिवल हो, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वन एंड हाफ ईयर्स के, लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स के, वो तुम्हारे पास रेडी होने चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन. उसको कर जैसे कि एक काम करेंगे, कल की क्लास में विल डिसाइड कि अगर कोई है या नहीं है, अगर कोई होगा न्यूज़पेपर में तो आई शो यू कि कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको अपनी नोटबुक के अंदर रेडी करना है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए. कुछ को तो पता है ऑलरेडी, जैसे हर्षिका को ऑलरेडी, हर्षिका ने करा है, रिजम को भी आइडिया नहीं, रिजम नहीं करा एंशियंट अभी मेरे साथ, योग्यता करा है ना, अभी वीकेंड क्लास में करा हमने, हम हाँ एंशियंट करा है ना. तो उस तरीके से क्लियर है प्रॉब्लम, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये तीन चीज़ें हैं जिसपे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए. पढ़ने के बाद क्लास नोट्स बनाएं. अब कभी कभी क्या होता है कि अब एक तीसरा क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर नोट्स कैसे बनाएं. नोट्स बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, वेन एवर यू आर राइटिंग द क्लास नोट्स, क्लास नोट्स के बाद क्या करो, उसके पीछे स्पेस छोड़ दो. एंड व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटीज या जो भी जो चीज़ें नोट्स में तुम्हें लग रहा है कि अवेलेबल नहीं है, राइट दोज थिंग्स. उसके बाद तुम्हारे नोट्स नहीं के मैं रेडी हो गए, अब तुम उसके अलग बनाओ, उसके अलग बनाओ, उसके अलग बनाओ, दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट. इसलिए क्या करो, एक ही जगह नोट्स को कंपाइल करो ताकि तुम्हें बार 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 मेहनत ना करनी पड़े. तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है, नोट्स थोड़ी ना बनाने हैं, नोट्स ऐसे बनाने बड़े अच्छे लगने दिखने में, उसका कोई मतलब नहीं है ना, सिंपल वही चीज़ है. क्लियर है, कोई दिक्कत?
समझ आ गया कि कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, क्या क्या चीज़ें, सोर्स मटेरियल है हमारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आ गया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। तुम्हारे मन में और क्या डाउट्स है जो नए आए हैं? एक ही आया, खैर कोई डाउट्स नहीं है, आइडिया था पहले से किस तरीके से करना है। अच्छा अच्छा ऑलरेडी करा है यहाँ पे सब, सेम सिमिलर है, परफेक्ट है। चले फिर अब देखें, इंट्रोडक्टरी लेक्चर करें कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक, ओके फाइन। अब लिखना दो मिनट बाद, पहले समझो कि एग्जैक्टली एंशिएंट इंडिया है क्या, क्या चीज़ है तुम्हारे हिसाब से, क्या है एंशिएंट इंडिया के अंदर, क्या पढ़ना है हमें? क्या लगता है किताब के अलावा क्या पढ़ना है, टॉपिक्स में क्या पढ़ना है हमें? स्क्रिप्चर्स, ओके, लाइक अशोका, अशोका स्क्रिप्चर्स, पिलर्स, इंस्क्रिप्शंस, मोर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स इन द सेंस व्हाट, वेद, ओके फाइन, दैट यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दोस, नॉट गो इन डिटेल अबाउट दम बिकॉज दैट इज अ थिंग वी डू इन ऑप्शनल, नॉट हेयर। यू जस्ट नीड टू नो कि वॉट द वेदास कंटेन, वॉट आर पुरानास, एंड वॉट आर एग्जैक्टली योर उपनिषद्स, हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर, हाँ, मौर्यंस को पढ़ना है, ठीक, और गुप्तास, ओके, ग्रीक सोर्सेज भी पढ़ने हैं हमें, महाजनपद, परफेक्ट है, सिंपल सी एक चीज़ है, बहुत सिंपल। बेसिक हमें क्या पढ़ना है मैं समझाता हूँ, बेसिक हमें ये पढ़ना है कैसे इंसान चार पैरों से चलने सीखा और कैसे दो पैरों पे आ गया, बस दैट इज द एंटायर आइडिया। ठीक, दैट द स्टोरी विच स्टार्ट्स इज फ्रॉम प्री हिस्ट्री एंड इट गोज अंटिल योर व्हाट यू से टिल टुडे। पहले एनवायरनमेंट से इंसान डरता था जो उसके रिलीजन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज हिज रिलीजन इज समथिंग विच इज नेचुरलिस्टिक इन नेचर, वी आर वर्शिपिंग एयर, वी आर वर्शिपिंग फायर, ठीक है, इनफैक्ट हम हर एक काम के लिए भगवान को याद करते थे, जैसे कि आर्यंस के गॉड है इंद्र, इंद्र सिर्फ एक थंडर एंड शावर का नहीं है, इंद्र का और क्या काम है, इंद्र का एक और, हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट्स, पुरंधर, उन्हें क्या कहते हैं, पुरंधर, उसके बाद क्षेत्रपति, ठीक है, उर्वरा, दैट देयर इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द कल्टीवेटेड एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो अब एक पॉइंट है कि हम हर एक चीज से डरते थे पहले, हमें हर एक चीज एक सरप्राइज लगता है कि हाँ एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं दे आर वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ठीक, धीरे धीरे क्या होता है, इंसान जो है ही बिकम्स डेवलप्ड, एंड वंस ही बिकम्स डेवलप्ड व्हाट हैपेंस इज ही ट्राइज एंड कंट्रोल द एनवायरमेंट, और धीरे धीरे कंट्रोल करने के साथ साथ वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, ही ट्राइज एंड एक्सप्लॉइट द एनवायरमेंट टू द सेंस कि कहीं ना कहीं अब ही इज जस्ट नॉट अफ्रेड ऑफ द एनवायरमेंट, ही ट्राइज एंड मैनिपुलेट्स द एनवायरमेंट अपनी तरीके से। क्लियर? ठीक, अब हम देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या हैं। अच्छा, टॉपिक्स के पहले दो चीज़ें और जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में ऑलरेडी पूछी भी गई हैं। ठीक है, देयर आर थ्री थिंग्स इन हिस्ट्री, वन इज द प्री हिस्ट्री, नेक्स्ट इज योर प्रोटो हिस्ट्री, एंड नेक्स्ट इज योर हिस्ट्री, या फिर यू कैन से हिस्टोरिकल फेज। नाउ इन द एग्जाम द क्वेश्चन वॉज सराउंडेड अराउंड प्रोटो हिस्ट्री, दैट वॉट डू यू अंडरस्टैंड दैट बाय द टर्म प्रोटो हिस्ट्री, क्या मतलब है इस टर्म का? बताओ। That is there, but proto का मतलब क्या हुआ? Yes, proto Bengali language. ठीक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फेज, ये तीन फेजेस होते हैं हिस्ट्री राइटिंग में। सबसे पहले होता है प्री हिस्ट्री, इसके अंदर क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर अवेलेबल। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, योर पॉटरी, योर कॉइन्स, ठीक, उसके बाद व्हाट यू हैव, सेटलमेंट्स, ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग, ऑल दीज आर टूल्स
is a part of your archaeological sources. Check. And then what you have is archaeological sources ke saath saath, you have literary. You have literary slash written sources. Literary slash written sources. So is time pe written sources are not available. Stone Age. Check. Archaeological sources are available, but literary sources or written sources are not available. Done. अब आई बात प्रोटो हिस्ट्री की. प्रोटो हिस्ट्री का बेसिक चीज है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर अवेलेबल, लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल और नॉट. परफेक्ट. लिटरेरी सोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिसाइफर्ड. बेसिकली क्या है यहां पे? नॉट डिसाइफर्ड येट. डिसाइफर्ड मतलब डीकोडेड. Decoded. Decoded as in they have not been able to understand that what is written in this particular source material. Check. Or example ke liye sabse acha example hai hamare paas Harappan civilization. What we have is the Harappan civilization. That is something which you understand by proto history. ठीक कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बट वो डिकोड नहीं हुए हैं. तो व्हाट वी हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन, वी हैव टू बी एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन योर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ओनली. ठीक है, जैसे हरप्पन फेज. चलें आगे. फिर आया हमारा हिस्टोरिकल फेज. हिस्टोरिकल फेज का स्पेस नहीं है तो तुम खुद ही लिख लो इसको. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल, लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल एंड डिसाइफर्ड. एंड डिसाइफर्ड. वैदिक एज इज वन, मॉडर्न एज इज वन. ठीक है, उन दोनों में. हाँ बिल्कुल, वैदिक एज भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन. ऐसे तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था दैट फॉर वैदिक एज वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बट ओनली ऑन लिटरेरी सोर्सेज. Examine critically. जब यहां उन्होंने बोला examine critically, you just cannot prove the statement which is given in the question. What you need to do is you need to provide both the viewpoints, counter and for. Archaeological sources भी available हैं और literary sources भी available है, तो that is perfect. ठीक है, और historical source का एक और example हो सकता है तुम्हारा Mauryans. ठीक है, Mauryan phase के अंदर क्या अशोका के जो pillars हैं, they were deciphered by James Prinsep, Kharosthi, Brahmi and all these languages which are being used. So jab wo decipher already ho chuki hai, so we know about Ashoka not only from his archaeological sources but also from the inscriptions which have been written down on the pillars. Haan bilkul, wo bhi example important hai. Jaise James Prinsep maine tumhe example diya, wo ek Harappa ke bare mein nahi padhna padega. इनफैक्ट ये भी नाम पढ़ना पड़ता है कि एग्जैक्टली जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र वॉज लॉस्ट. ठीक है, 1905 में इट वॉज रीडिस्कवर्ड. तो रीडिस्कवर किसने करा? आर श्यामा शास्त्री. ठीक है, 1905 में. ठीक है, हम जब उस पर आएंगे देन आई विल टेल यू अबाउट दिस. उसके साथ साथ जैसे एक टूल मिलेगा हमें, पालवावरम एक्स. पालवावरम एक्स and Palvavaram is a place in Tamil Nadu. So that was the first prehistoric tool which we found from India. Usko nikala kisne tha khoj ke? Robert Bruce Foote. So we have to understand what is the name of the person responsible for this particular discovery. Jise ek aur cheez hogi, Neolithic revolution.
न्योलिथिक रेवोल्यूशन किसने बोला है? पता तो है न्योलिथिक रेवोल्यूशन, पता है क्यों कह रहे हैं हम न्योलिथिक को रेवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं? परफेक्ट। और एग्रीकल्चर का यूज हो रहा है, वी गॉडन चाइल्ड, वी गॉडन चाइल्ड, थोड़े बहुत है, ज्यादा नाम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया करके चलें आगे। ओके फाइन, अब पॉइंट इज लेट्स कम टू द टॉपिक्स, कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, ठीक। दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज योर प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और योर स्टोन एज, प्री हिस्ट्री और योर स्टोन एज। आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी बेसिक आइडिया आज के दिन, ठीक है, ताकि तुम जब चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करो एटलीस्ट दिमाग में बैठे स्टोन एज। अब जो स्टोन एज है, स्टोन को एक और नाम से भी जानते हैं, लिथिक। स्टोन इज ऑल्सो नोन एज लिथिक, ठीक है, एलीथ। अब जो स्टोन एज है दैट इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर डिनोमिनेशंस, पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक, पेलियो मीन्स लोअर और ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, सो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी ओल्ड स्टोन एज और लोअर स्टोन एज, ठीक, लिख लेना इसको दो मिनट में। फिर आएगा मेजोलिथिक, मेजोलिथिक, फिर आएगा नियोलिथिक। मेजो मीन्स मिडिल, मेजो मीन्स मिडिल, मिडिल मीनिंग कि इसके इसके और इसके बीच का जो ट्रांजिशन फेज है उसे हम क्या कहते हैं, मेजोलिथिक और मीजोलिथिक। ट्रांजिशन मतलब कि कुछ फीचर्स इसके इसके हैं, कुछ फीचर्स इसमें इसके इसके हैं। पॉइंट इज कि दिस इज नॉट एंटायरली ऑन इट्स ओन, इट हैज फीचर्स फ्रॉम पेलियोलिथिक, इट हैज फीचर्स फ्रॉम नियोलिथिक। तो ट्रांजिशन फेज है और इसको हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज। और नियो, नियो का मतलब हो गया न्यू, नियो का मतलब हो गया न्यू, सो इट इज नोन एज द न्यू स्टोन एज। अभी आएगा चालकोलिथिक पे भी आ रहे हैं, उसको मैं अभी एक सेकंड समझा रहा हूं, इसी में समझो। डन, ओके। अब इसके अंदर एक और डिनोमिनेशन आने वाला है विच इज नोन एज चालकोलिथिक, ठीक। चालको मतलब होता है कॉपर, प्लस लिथिक मीन्स स्टोन। तो ये एंटायरली स्टोन एज नहीं है, व्हाट वी हैव इज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय humans. So copper is the first metal which began to be used by humans. तो इस एज में स्टोन तो है ही, उसके साथ साथ we have the use of copper. So that is why it came to be known as Chalcolithic age. नहीं नहीं Paleolithic को नहीं, पहले Neolithic के बाद जो आएगी ना एज, सो मैं एक सेकेंड रुक, टू थ्री एंड फोर, अब इट्स फाइन। अब तक मेटल का यूज किसी में भी नहीं है, तीनों एजेस में जो मेटल का यूज है वो है फर्स्ट टाइम किसमें, चालकोलिथिक में। कहाँ से फिल करिए, कहाँ से भर के लेके आए हुए, ऊपर से नीचे से, वापस ले जाओ भाई, नीचे वाला नहीं ऊपर से भर के लेके आओ।
राइट, चलें आगे. ओके फाइन, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक. अब पॉइंट इज कि इंसान, इसको हम सबसे पहले तो एक बात यह है कि इसको स्टोन एज क्यों कहते हैं, बिकॉज जो इंसान है वो टूल्स यूज करता है किसी भी काम के लिए, हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं. इन फैक्ट द इंस्ट्रूमेंट विच वी हैव इन आवर हैंड्स राइट नाउ इज पेन. ठीक है, पेन इज एन इंस्ट्रूमेंट. यू सी इन फैक्ट दिस हैंकी इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट. सो हम किस चीज़ का बना हुआ मटीरियल यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, वो डिफाइन करता है. जैसे हमारी एज को कह सकते हैं प्लास्टिक एज. हम एक प्रिडोमिनेटली किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक ही कर रहे हैं ना, चाहे हमारे स्पेक्स हों, चाहे हमारे हेलमेट्स हों, चाहे हमारे पेन्स हों, कीज हों, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज बॉटल्स हों, एवरीथिंग इज प्लास्टिक इन नेचर, चाहे नेचर हो, दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक. समझ आई बात किस तरीके से इनको हम स्टोन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टोन एज के अंदर बेसिक प्रेडोमिनेंट यूज किसका है, टूल्स का. और एक चीज और देखो, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक और यहां तक, पॉइंट इज जो स्टोन का जो स्टोन टूल्स हैं वो और बेटर पे बेटर होते जाएंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग भी तो डेवलप होता है ना एक्सपेरिमेंटेशन और इन सब के थ्रू. जैसे तुमने कंप्यूटर्स में विंडोज कौन सी यूज करना स्टार्ट करा था, आई थिंक एक्सपी करा होगा, उससे पहले तो नहीं करी ना. एक्सपी जो थी, XP was one of the longest running. उसके बाद Windows Vista आई, Windows 7 आई. नहीं सर, वो Windows 7 is still fine, but Vista was horrible. 10 is still fine. 10 ठीक है, I don't like 10, but 10 is fine. ठीक है, तो वही चीज़ होता है ना कि धीरे धीरे क्या होता है, जो पहली वाली चीज़ में कमी हो हम उसको कंप्लीट करने के लिए उसको नेक्स्ट टाइम उसको और बेटर बनाते हैं, उसमें और प्रोग्रेस करते हैं. इस तरीके से ही होता है, ये होता है नहीं होता. जैसे हमने एक बार एग्जाम दिया, हम नहीं क्लियर कर पाते, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, जब होल्ड छोड़ देते हैं. छोड़ना क्या करना है, घर वालों की इच्छा करवा देते हैं हम, ऐसा तो नहीं है ना. वी पुट इन मोर एफर्ट्स, मोर कॉन्सेंट्रेशन. तो वही चीज़ है, यहाँ पर टूल्स थे इतने बड़े जितना पहले कंप्यूटर होता था, एक रूम जितना बड़ा. ठीक है, फिर टूल्स क्या हुए, छोटे छोटे होने लगे. मेजो मीन्स मिडिल ऑल्सो, एंड ऑल्सो दीज आर द मीडियम टूल्स. और फिर न्यूलिथिक में आते आते क्या हुआ, द टूल्स दे बिकेम मच मच बेटर. इस तरीके से क्लियर है. तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी. इसके अंदर एक और दो टर्म्स हैं जो मैं तुम्हें आज ही बता देता हूँ. होलोसीन, वैसे तो वो नीचे लिखना चाहिए था मुझे, और एक है प्लेस्टोसीन. होलोसीन एंड प्लेस्टोसीन. होलोसीन का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले प्लेस्टोसीन समझते हैं. प्लेस्टोसीन होती है आइस एज. ठीक है, आइस एज जो है दैट वॉज रफली फ्रॉम अराउंड 5 मिलियन ईयर्स अगो टिल 10,000 BC. 5 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 50 लाख साल पहले से लेकर आज से 10,000 साल पहले तक रफली क्या थी, आइस एज. आइस एज मतलब जो क्लाइमेट है दैट इज वेरी कोल्ड. ठीक है, वहां पर ऑलमोस्ट कोई लाइफ नहीं है, फ्लोरा फौना नहीं है. जैसे जैसे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी वैसे वैसे लाइफ डेवलप होना स्टार्ट होगी. ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो बाहर आना स्टार्ट होंगे, वेजिटेशन होना स्टार्ट होगी, लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट होगी. तो उसको हम कहते हैं होलोसीन, और यू कैन से दैट पोस्ट आइस एज. पोस्ट आइस एज का मतलब होता है व्हेन द आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड द कंडीशंस बिकम बेटर फॉर लिविंग. जैसे हमारा सबसे ज्यादा काम, जैसे वैसे तो एक कालिदास का एक आइडिया है, मैं तुम्हें फिर भी समझाता हूँ. कालिदास ने किताब लिखी है, बुक लिखी है, इसका नाम है ऋतु संहार. दैट हाउ द माइंड ऑफ अ ह्यूमन बींग इज थ्रू आउट द 12 months ऑफ द ईयर. जैसे हम लोगों का मन है, वी आर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट यू से जनवरी फरवरी. थैंक यू. जनवरी और फरवरी में ज़्यादा खुश रहते हैं या नहीं, स्प्रिंग होता है ना, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती. ठीक, ज़्यादा ठंड होती तो हमारा फिर काम करने का मन नहीं करता, गर्मी होती तो हमारा फिर काम करने का मन नहीं होता. स्प्रिंग में काम करना ही क्यों है, इतना अच्छा मौसम, कितना मौसम. ऐसे ही करते हैं, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं. समझ आई बात. तो इंसान का जो क्लाइमेट है, सब कुछ है, वो डिफाइन करता है कि वो कैसे काम करेगा. ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का. व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दे स्टार्टेड टू राइज अराउंड 6th century BC. जब वो 6th century BC के अराउंड राइज करना स्टार्ट करे बुद्धिज्म और जैनिज्म, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द सिचुएशन वाज आल्सो एप्ट फॉर देयर राइज या नहीं. सोसाइटी ट्रांजिशन की तरफ जा रही थी ना, आयरन की डिस्कवरी हो गई थी ऑलरेडी. आयरन की डिस्कवरी से एग्रीकल्चर हो रहा था, एग्रीकल्चर से ट्रेड हो रहा था, ट्रेड होने से इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड डेवलप हो रहे थे, तो ट्रेडर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था. और इसके अंदर लोग आए कौन, ट्रेडर्स आए बुद्धिज्म जैनिज्म में, और लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आए जिन्हें ब्राह्मानिकल सोसाइटी के अंदर प्रेस्टीजेस नहीं मिल रही थी, प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे.
तो यही हुआ ना सोसाइटी. और क्या कहते हैं इसे, ये डेवलप इसलिए भी हुए क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अगर तुम से बैठोगे ना और अपनी ज्ञान बांटोगे, उससे क्या होगा, तुम्हें उसके बाद भी खाने को खाना मिलेगा. पहले ऐसा नहीं था, एवरीबडी हैज़ टू बी द प्रोड्यूसर अर्लियर. और अब जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, प्रोड्यूसर्स एंड नॉन प्रोड्यूसर्स. नॉन प्रोड्यूसर्स को पता है कि वो एग्जैक्टली अगर वो बैठ के से बात भी कर रहे हैं ना तो वो क्या है, वो उनको खाना मिल जाएगा. सिंपल सी बात, समझ आई बात या नहीं? इसमें कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम? चलें फिर आगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विच इज योर हरप्पन सिविलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज योर हरप्पन सिविलाइजेशन. जो हरप्पन सिविलाइजेशन, लिख लेना, सबको टाइम मिलेगा, ऐसा कोई लिखने में कोई नहीं है, समझो बस एक नॉर्मल एक कर लेना, जिसको करने के बाद आई विल गिव यू टाइम. जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, इसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ. परफेक्ट, गुड. फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हरप्पा, सो दैट इज वाई इट वॉज नोन एज अ हरप्पन वैली सिविलाइजेशन. अर्लियर द नेम वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. इंडस जो रिवर है, ठीक है, उसके अराउंड में सारी की सारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई. क्यों हुई? वाटर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ठीक है, एंड रिसोर्सेज. अगर हम हरप्पन्स के डाइट्री पैटर्न्स भी देखते हैं, सो दे आर प्रिडोमिनेटेड बाय व्हाट यू से मेरीन रिसोर्सेज, लाइक फिश. फिश इज अ मेजर पोर्शन ऑफ द थिंग्स विच द हरप्पन्स कंज्यूम्ड, ठीक. तो फिश भी है उनकी. अब पॉइंट इज, हरप्पा स्टार्टिंग से तो एकदम नहीं है डेवलप हो गया, धीरे धीरे डेवलप होगा. जो फर्स्ट फेज ऑफ हरप्पा है, दैट इज नोन एज प्रोटो अर्बन और प्री हरप्पन फेज, ठीक. प्रोटो अर्बन और प्री हरप्पन फेज, इसका जो टाइम पीरियड रहता है, दैट इज अराउंड 3300 टू 2600 BC. ये एक NCERT टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं, ठीक. इसके नहीं तो जैसे भिराना मिली है, हरियाणा में भिराना मिली है ना, सो दैट माइट पुश द डेट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन टू मोर देन 8000 ईयर्स ओल्ड. तो नियोलिथिक के आसपास वो पहुंचा सकती है इसकी एज को. मगर पॉइंट इज, अभी उसकी रिसर्च पूरी नहीं है, तो NCERT ने इसको सिर्फ अब तक यहीं रखा हुआ, ठीक है. फिर आया मैच्योर फेज. मैच्योर फेज है 2600 से लेकर 1900 तक, ठीक. और फिर ये है 1900 से लेकर NCERT के अंदर 1500 तक. ये बहुत ही नीट डिविजन्स हैं कि हाँ ऐसा था, हमें समझाने की कोशिश है, बट पॉइंट इज ऐसा नहीं था. ये डिविजन्स नीट नहीं थी, ये हमने बनाई है इसको इतनी नीट क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज है. जो हम लेट हरप्पा की बात करते हैं, तो यहां पर हम एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है डिक्लाइन. डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि जो यहां पर चीजें थी वो पूरी यहां तक आते आते खत्म हो गई. डिक्लाइन का मतलब ये है दैट द लेट हरप्पा इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी. कुछ चीजें चेंज हुई हैं और कुछ चीजें वैसे के वैसे ही चल रही हैं. सो दैट इज वॉट लेट हरप्पा इज ऑल अबाउट. परफेक्ट है. तो तीन चीजें इसके अंदर हमने देखनी है. तो ये टॉपिक जो है प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. और इसको सिर्फ इंडस वाली सिविलाइजेशन कहना भी गलत होगा. इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडस घग्गर सिविलाइजेशन. घग्गर इज अ रिवर, ठीक है, विच वेन फ्लोज इन इंडिया इज नोन एज घग्गर. वेन इट गोज टू पाकिस्तान इट इज नोन एज हाकरा. तो उसके अराउंड भी सारी सेटलमेंट्स हैं सारी, ठीक. अब लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं.
डन, चलें आगे. ओके फाइन, कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम? चलो, हमने इसको प्रोटो अर्बन क्यों कहा, ये समझ में देखा तुमने? बिकॉज फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन जो यहां पर आके डेवलप होंगे उनके कुछ बेसिस हम यहां पर देख सकते हैं. ठीक है, नॉट वेरी लार्ज सिटीज बट डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स, डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स, इस ट्रेड, ये सब चीजें क्या हैं, यहां से धीरे धीरे डेवलप होकर ये चीज वहां पहुंची. अब तुम इसमें ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अलग जगहें थी ये दोनों. जैसे हरप्पा को देखें, कालीबंगन को देखें, ठीक है, ये मोहनजोदारो को देखें, दे एक्चुअली गिव अस द एविडेंस ऑफ प्री एंड मेच्योर हरप्पा बोथ. इसका मतलब है कि जो चीज यहां, और वैसे भी क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप बेसिस किस चीज पे होते हैं, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड होना जरूरी है, एक बेस फॉर्मेशन होनी जरूरी है, उसी के बाद चीजें डेवलप होती है. तो यहां पर भी वही चीज डेवलप हुई है कहीं ना कहीं. क्लियर, कोई दिक्कत? कोई नहीं, चले आगे. ओके फाइन, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद, दैट इज योर अर्ली अर्ली एंड लेटर वैदिक फेज. अर्ली एंड लेटर वैदिक फेज. इम्पैक्ट सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी इस वाले में करेगी. जैसे यहां से लिख, अभी मैं समझ लिख लिया या पहले समझाऊं? ओके फाइन, अब देखो अर्ली वैदिक में रिदम और लेटर वैदिक को हम क्यों वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिकॉज देयर इज दिस यूजेज ऑफ द थिंग नोन एज आयरन. अब तुम कहोगे आयरन से क्या, आयरन में जो डिस्कवरी हुई है, आयरन से सबसे इंपॉर्टफुल क्या होगा, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या सीन है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट को हम क्लियर कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लाइक वुड प्लस एनिमल्स प्लस साथ साथ पर जो इसको फॉरेस्ट को हमने क्लियर करा उसमें हम एग्रीकल्चर भी कर सकते. सो सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होगी. जैसे यहां पर जो सोसाइटी है दैट इज मोर पेस्टोरल इन नेचर, दैट इज मोर पेस्टोरल. एंड वेन वी गो टूवर्ड्स अ लेटर वैदिक सोसाइटी इज मोर सेटल्ड, सेटल्ड एंड एग्रीकल्चरल इन नेचर. ठीक, तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ आयरन जो है वो तुम्हारी इकोनॉमी और सोसाइटी पे और पॉलिटी पे, तीनों चीजों पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा. कैसे, सोसाइटी तुमने देखा, एक और इम्पैक्ट बताता हूँ. अब जो ये वाली सोसाइटी है अर्ली वैदिक, तो ये पीपल आर नॉट सेटल्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दे आर नोमैड्स, दे आर हैविंग अ सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल. और सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल में क्या है, तो वुमेन आर ऑल्सो गिवन अ प्रॉपर इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक सिस्टम. तो उनको पोलिटिकल फ्रीडम मिलती है, उनको अपना खुद का हस्बैंड चूज करने की फ्रीडम मिलती है, उन्हें एजुकेशन मिलती है, ठीक है, उन्हें पोलिटिकल डिसीजन मिलते हैं लेने के लिए. लेकिन वो हम यहां तक पहुंचते हैं तो धीरे धीरे वुमेन को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है. क्यों? क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर है दैट इज मेनली मेल डोमिनेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप टूल्स यूज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दैट इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. और आपको क्या करना पड़ता है, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए वुमेन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना पड़ता है. तो उनके पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म, एजुकेशन खत्म, इनफैक्ट जो आइडिया था कि यहां पर वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज कर सकती हैं, दैट ऑल्सो वेंट अवे.
वो भी खत्म हो गया, जैसे आजकल तो है, बीच में नहीं था। और आजकल भी सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेके नहीं देख सकते हम, अगर हम दिल्ली के बाहर भी जाते हैं ना तो वुमेन डू नॉट हैव मच ऑफ चॉइसेस। ये हैं, हाँ, तो वुमेन की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हुई है सोसाइटी के अंदर, अपग्रेड नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी ट्राइबल सोसाइटीज़ होंगी, नोमैडिक सोसाइटीज़ होंगी, वहाँ पर वुमेन ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू द मेल्स। यू लुक एट मणिपुर, यू लुक एट मिजोरम, यू हैव ट्राइब्स विच आर मेट्रियाकल इन नेचर। मेट्रियाकल मीन्स द प्रोडोमिनेंस ऑफ द मदर और प्रोडोमिनेंस ऑफ द वुमेन एज कम्पेयर टू द पेट्रियाकल सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग इन, राइट। तो उस तरीके से जो सोसाइटी ज़्यादा सेटल नहीं होगी उसके अंदर क्या होगा, वुमेन की पोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो सोसाइटी उस काम में नहीं लगी हुई है जो कि मेल डोमिनेटेड है, वो उस काम में लगी हुई है जो कि सब कर सकते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, इस तरीके से। अगर नॉर्थ ईस्ट गई है रिदम, नॉर्थ ईस्ट या साउथ, नहीं, व्हेन यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, खासकर दार्जिलिंग और ये सब असम असम वाली जगह पे, यू गुजरात में भी कुछ हद तक, लेकिन हाँ हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहते हैं, वहाँ पर जो ज़्यादा मार्केट्स में होते हैं वो मेन नहीं होते, वो लेडीज़ होती हैं। मतलब लेडीज़ आर देयर इन एवरी शॉप, मैन तो उनको बस हेल्प करने के लिए होते हैं, बट वो सब चला, मेजर जो बिजनेसेस रन करते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, वो वुमेन ही करती हैं रन, ठीक। क्योंकि उनके सोसाइटी का कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट है हमारी सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर कोई वुमेन दुकान पे जाके बैठ जाएगी तो क्या होगा, मुझे बताना पड़ेगा। समझ आ गया? समझ आ गया ना, बस वही होगा, ठीक। जैसे हमारी फैमिली में एक के हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उसके अच्छा खासा बिजनेस था गारमेंट्स का, था मतलब सॉरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बच्चे छोटे हैं, एंड देन शी हैड टू सिट ऑन दैट पर्टिकुलर शॉप। अब परिवार वालों ने मन लग गया, ये देखो लेडीज़ बैठी है, ये कैसी है, ये है वो है, बोलते ये नॉर्मल है, बोलेंगे। उन्होंने चिंता नहीं करी और उन्होंने बैठा, और 10-15 ईयर्स बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने वो संभाल लिया आगे। तो उनकी मदर ने किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाया ना, हाथ फैलाना इज़ फाइन विद द पेट्रियार्कल सोसाइटी, बट अपना इंडिपेंडेंट होना इज नॉट फाइन विद द पेट्रियार्कल सोसाइटी, दिस इज डबल स्टैंडर्ड्स। समझ आई बात? तो हमारी सोसाइटी डिग्रेड करी है एज कम्पेयर टू वुमेन। पहले शूद्रास को भी देवर गिवन सम राइट्स, बट एज वी गो टू वर्ड्स हेयर, शूद्रास बिकेम टू बी, दे केम टू बी मोर एक्सप्लॉइटेड बाय द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन फैक्ट वी हैव द एविडेंस ऑफ द फिफ्थ वर्णा विच इज नोन एज अनटचेबल्स। हाँ, हैव यू रेड अबाउट सॉक्रेटिस और प्लेटो? एथिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हाँ एथिक्स में पढ़ा है, PSI में पढ़ा है, ठीक। क्या पढ़ा है सॉक्रेटिस के बारे में? अरे आई एम नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उनके आइडियाज के बारे में क्या पढ़ा है। यस, जहर का प्याला इज फाइन, बट पॉइंट वो तो हो गए, गैलीलियो गैलीला है, he had a little argument with the church and he was burnt down. तो वो होगा, उन्होंने क्या बोला है, that slavery, उसकी उनकी बुक भी है, आई थिंक प्लेटो की है बुक, प्लेटो की है रिपब्लिक। तो पॉइंट इज, इफ यू रीड दैट पर्टिकुलर बुक प्लेटो की या सॉक्रेटिस के बारे में भी, यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ही हैज ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सोसाइटी, जो कि लोग हायर इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे। हाँ, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज वाला तो कॉन्सेप्ट है ही, जो महात्मा गांधी भी बाद में यूज़ करते हैं, महात्मा गांधी, अंबेडकर भी इनफैक्ट यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। वो दिखता नहीं है कि वो यूज़ करते हैं, बट वो जिसको पता है वो उस बात को समझ सकता है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब लोग क्या कहते हैं, दैट व्हाट यू नीड इज द प्रेवलेंस ऑफ स्लेवरी इन द सोसाइटी, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू हैव स्लेव्स इन द सोसाइटी, देन यू कैन फ्री योर माइंड ऑफ द मंडेन टास्क ऑफ द सोसाइटी, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, दीज आर द मंडेन टास्क। अगर हम सोचो इसी में लगे रहेंगे तो फिर हम बाकी काम कब करेंगे, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कब करेंगे। और तुम एक चीज़ ये देखो, हमारी सोसाइटी में वुमेन को इसी काम में लगाया जाता है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें फील नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज 90% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स, उनके लिए क्या है, उनके लिए जो गर्ल्स हैं, चाहे डॉटर्स हों, चाहे डॉटर इन लॉज हों, बेसिक काम क्या है, रोटी पकाना घर में। जैसे अगर गाँव में बात करें तो घर की दीवारों को लीपना, हाँ अब होता है, मेरे गांव में तो अभी भी होता है, और मेरा गांव बहुत दूर नहीं है यहाँ से, इट्स ओनली 135 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर,
सोचो वहां पर हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे गांव में कुछ चीजें चेंज हुई होंगी। अमोलप्रीत तेरे गांव में हो रहा है ऐसा? हो रहा है? आप कौन से गांव से हो? हरियाणा से हो ना? मैं तो अपने राजस्थान की बात बता रहा हूँ। खैर वो तो है ना, वहाँ हो रहा है, सब कर रहे हैं वहाँ पर। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में ना हो, इसलिए उनको क्या करा जाता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप यही करो, अब यही करोगे, यही करोगे। क्योंकि पॉइंट इस कि अगर उन्होंने सोचना समझना स्टार्ट कर दिया तो पॉइंट इस कि इनकी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसकी डोमिनेंस कहीं ना कहीं क्या होगी, खत्म हो जाएगी। समझ आई बात? क्यों झाड़ू पोछे में लगा के रखते हैं वुमेन को? सिर्फ इसलिए नहीं बच्चे, या सही है लगा के रखो? फंस गया या नहीं? अब तो उल्टा भी हो रहा है, विच इज फाइन, विच इज फाइन। उल्टा नहीं कहूंगा मैं अमोलप्रीत भाई, ये उल्टा के साथ मैं ये कहूंगा कि दोनों अब मिलके पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं बोलना चाहूंगा ये पार्टनरशिप में काम। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि हाँ अब ठीक है, अब हम क्या बोले उस पर, पहले हमने कर लिया अब वुमेन कर रहे हैं, तो पॉइंट इज इक्वल्स इवन स्टीवेंस कर रहे हैं। हाँ नहीं, आई थिंक एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, चाहे मेन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। ये नहीं है किसी मेल कर रहे हैं तो मेल ही कर रहे हैं, वो भी चीज़ गलत है। फीमेल कर रही है तो फीमेल ही कर रहे हैं। गांधी जी बनो, गांधी जी, गांधी जी बनो इस मामले में। गांधी जी ने क्या बोला? तुझे कितना पढ़ा है गांधी जी को ये बता मुझे, तूने पूरा तूने पढ़ा ही नहीं है ना गांधी जी को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आई हैव रेड अप्रॉक्सीमेटली 55 बुक्स ऑन गांधी, 55 बुक्स। नो वे टॉक्स अबाउट, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पेट्रियार्कल, वो थे उनकी जो बुराइयां हैं वो भी मुझे पता है, अच्छाइयां वो भी। गांधी जी ने क्या बोला? पी एस आई आर में पढ़ा होगा तूने? अच्छा सार, गांधी जी ने पी एस गांधी जी ने क्या बोला वुमेन के बारे में कि कहीं ना कहीं वुमेन आर द मॉर्निंग में भी पढ़ रहे थे, वुमेन आर द इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन द सोसाइटी। तो वुमेन को उन्होंने बोला है कि आपको सामने आना पड़ेगा, ठीक है, वो पेट्रियार्कल भी थे साथ में, उन्होंने बोला आपको सामने आना है तो आपको अपने हस्बैंड या फादर या ब्रदर की परमिशन लेके आना है, ये बात भी बोली है। देखो गांधी जी, गांधी जी गलत नहीं है, गांधी जी समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर वुमेन को एकदम सामने आने के लिए बोल दिया तो जो मेरा मेल सपोर्ट है वो चला जाएगा और ना ही कोई लोग आने देंगे। उन्होंने क्या बोला? आप आओ, परमिशन लेके आओ, परमिशन लेके तारों के नीचे चले जाओ, सिंपल सी वही बात है। उन्होंने बोला किचन को दिन में लॉक कर दो, क्या कि वुमेन अगर किचन से फ्री नहीं होंगी तो फ्रीडम मूवमेंट में कब पार्टिसिपेट करेंगी, बोला ना गांधी जी ने इस चीज़ को। तो ये वही समझने वाली चीज़ है कि धीरे धीरे कुछ एस्पेक्ट में गांधी जी बहुत सही थे, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में गांधी जी की प्रॉब्लम थी, बस यही एक सिंपल आइडिया है। चले आगे, समझ आ गया वैदिक एज? ओके फाइन, अर्ली वैदिक, वैदिक एज हो गया, एंड देन व्हाट यू हैव इज महाजनपद्स, महाजनपद्स प्लस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और महाजनपद्स में एक और चीज भी है विच इज द राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध प्री एंड मॉडर्न एज। प्री एंड मॉडर्न एज, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं हम, बुद्धिज्म जैनिज्म को इसी में कंप्लीट कर देंगे, आर्ट एंड कल्चर तक लेके नहीं चलेंगे इसको, फिर आर्ट एंड कल्चर में हम कम क्लासेस कर सकते हैं, कम क्लासेस में ज़्यादा काम खत्म कर सकते हैं। या फिर हाँ देखो, आर्ट एंड कल्चर में यू हैव टू स्टडी रिलीजन, सो उसके अंदर बुद्धिज्म जैनिज्म उस टाइम पे पढ़ना है या पढ़ना है, दो तीन दिन है तुम्हारे पास, अभी चार दिन है, डिसाइड कर लेना, ठीक है, देन वील मूव अकॉर्डिंगली। क्या चीज? ये डिविजन हैज बीन ऑलरेडी देयर, ठीक है, देयर हैज, इट हैज बीन देयर सिंस टाइम इमेमोरियल। अब डिविजन्स पे मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट ओनली। जैसे हम बात करते हैं चालकोलिथिक की, नेम क्या है आपका? प्रशांत। प्रशांत, जब हम चालकोलिथिक की बात करते हैं
So arithmetically we have an evidence from a settlement which is having a large house surrounded by smaller houses. So that is an evidence of, what do you say, divisions in the society. But that is a very nominal division. ठीक है, जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप करना स्टार्ट करेगा, सम पीपल विल हैव मोर सरप्लस एंड सम पीपल विल बी लैंडलेस. लैंडलेस नहीं तो दे विल नॉट हैव सो मच ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि उनको एक सरप्लस की तरफ लेके जाए. दे विल बी ओनली सब्सिस्टेंस इन नेचर. ठीक, अब जैसे जैसे लैंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कैप्चर कम हो जाएगा एंड ओनली फ्यू पीपल विल हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन देयर ओन हैंड, सो सोसाइटी के अंदर डिविजन्स और बढ़ जाएगी. जैसे हम हड़प्पा में देखते हैं, हड़प्पा के अंदर डिविजन्स हैं, खासकर दो डिविजन्स, अपर टाउन लोअर टाउन. लोअर टाउन में कौन रहता था? द पीपल हु आर द वर्किंग क्लास, पीपल हु आर द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी. अपर टाउन में कौन रहता है? रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी. तो डिविजन्स जो सोसाइटी में आ रही हैं, दे आर मेनली कमिंग ऑफ द चेंजेस इन द इकोनॉमिक फैक्टर्स. हम बात करते हैं अर्ली वैदिक की. अर्ली वैदिक में फर्स्ट में वर्णा डिविजन्स नहीं थे. ठीक है, ऐसा नहीं है लेकिन डिविजन्स भी नहीं थे. डिविजन्स थे, इट वॉज नॉट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, बट देयर वर सर्टन डिविजन विच आर नॉट वेरी हार्डन डिविजन. जैसे जैसे हम लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं तो डिविजन्स बिकेम मच मोर स्ट्रॉन्गर. इन फैक्ट जो फर्स्ट थ्री वर्णाज हैं दे आर ट्रीटेड एज अबव ऑल द अदर पीपल. दे आर इवन नोन एज अ द्विज. द्विज मीनिंग ट्वाइस बोर्न. एक बार तो इंसान खुद पैदा होता है, ठीक है, सेकेंडली ही वेन ही इज इनिशिएटेड इन टू एजुकेशन तब स्पिरिचुअल बॉर्न. वन इज लाइक फिजिकली बींग बॉर्न एंड सेकेंड इज बिंग स्पिरिचुअली बॉर्न. तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है. नहीं होते, इंसान को ऐसे ही छोड़ दो तो वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं रहेगा. तो इस तरीके से डिविजन सोसाइटी में हमेशा रहेंगी. हाँ, वो डिविजन हम प्री हिस्ट्री में कम देख पाएंगे. जैसे जैसे हम हड़प्पा की तरफ आएंगे तो डिविजन देख पा रहे हैं, लेटर वैदिक की तरफ आ रहे हैं डिविजन देख पा रहे हैं. देन वाई, अगर डिविजन्स नहीं होती सोसाइटी में तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को राइज करने की जरूरत ही नहीं थी. रिफॉर्म्स क्यों आए सोसाइटी में? बिकॉज वी हैव पीपल लाइक, दो सेक्शंस में बढ़ गई 6th century BC में सोसाइटी. वन हुआ द प्रोड्यूसर्स एंड वन हुआ पीपल हु वर प्रोड्यूसिंग फॉर द नॉन प्रोड्यूसर्स. एंड थर्ड डिविजन भी एक तरीके से बनना स्टार्ट हो गई है, पीपल हु वर द एक्सप्लॉइटेड लॉट एंड दे वर नोन एज दरिद्र, दे वर नोन एज कर्मकार्स. ठीक है, दीज पीपल हु डिड नॉट हैव एनी रिसोर्सेज एंड दे आर काइंड ऑफ इक्वेटेड विद दिलदर्स. दे आर इक्वेटेड विद वॉट यू नो एज द बेगार्स और द फोर्स्ड लेबर और द स्लेव्स ऑफ द सोसाइटी. राइट, जैसे कौटिल्य मेंशंस अबाउट द एविडेंस ऑफ स्लेवरी इन अर्थशास्त्र वेयर एज मेगास्थेनीज डू नॉट. लेकिन अशोका भी अपने इंस्क्रिप्शन में क्या कहता है, धम्मा में क्या कहता है, दैट यू शुड ट्रीट द स्लेव्स प्रॉपरली. इसका मतलब स्लेवरी थी ना वहां पर, जब तो स्लेव्स को प्रॉपरली ट्रीट करने की जरूरत पड़ी. और वही चीज, राइट, ओके ओके फाइन. वॉन्ट टू हियर समथिंग इंटरेस्टिंग? मे बी लाइक यू कैन हैव अ लाफ अबाउट लिटिल बिट. चलो सुने. सो बट सर, विमेन को आज के समय में बहुत ज्यादा राइट्स मिल चुके हैं. निश्चित ऐसा नहीं है, ये सब हमें लगता है. सर, अब मेन्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा है. परफेक्ट. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में तेरी, हाँ तेरी साइड ले रहा है. साइड किसी की नहीं लेनी चाहिए, हमें रहना चाहिए कि दोनों को इक्वल ट्रीट करोगे तभी सोसाइटी आगे चलेगी. राइट, देखो सबके सिस्टर्स भी हैं, सबके मदर्स भी हैं, तो अब सोचो ना कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है या फिर हमारे साथ गलत हो रहा है, दोनों को अपनी तरफ रख के देखना पड़ेगा ना. सोसाइटी में हमें दोनों का साथ देना पड़ेगा. अब कुछ लोग होते हैं जिनके बस की कुछ नहीं होती है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम. ये है सोसाइटी में, वी हैव पीपल हु आर स्पाइनलेस, देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. थोड़ा तो जाकिर खान बनना पड़ेगा. राइट, चलें सर आगे चलें. ओके फाइन. सो इसमें आ गया राइज ऑफ मगध. अब देखो जो महाजनपद हैं दे आर 16, ठीक है, और जो मेजर महाजनपद हैं वो तुम्हारे वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, इस तरफ है. उसमें से हम देखेंगे बाद में चार बचते हैं और उनमें से बचता है एक, और जो एक बचता है वो होता है मगध. ठीक, लैंड इज लिमिटेड बट पीपल आर मोर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फाइट. चॉकलेट एक है, ठीक है, घर में खाने वाले पहले दो से अब तीन है, जैसे मेरे. तो उसमें क्या होता है, वी गेट द स्केल आउट, स्केल लेके, अच्छा ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, स्केल के ये होता है, या फिर उसने खाया उसके मुंह से ऐसे छीन लिया,
ठीक है, ऐसे ही करते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, नहीं करते तो फिर तुम बेवकूफ हो जाते हो। सिंपल सी एक चीज है, मगध इज ऑल्सो सिमिलर आइडिया। जब हम इसको मैप पे देखेंगे, वी विल सी दैट देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ महाजनपद अलॉन्ग द इंडो गैंजेटिक वैली। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले 16 होंगे, 16 आपस में लड़ते रहेंगे, जो कमजोर होंगे उनमें से 4 बचेंगे स्ट्रांगेस्ट, और एंड में क्या होगा, ओनली वन विल सर्वाइव। सो दैट इज नोन एज योर राइज ऑफ मगध। और मगध में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आएंगी, जैसे हरियंका, शिशुनाग, नंद, एंड देन फाइनली द मौर्यंस। क्लियर है? तो मौर्यंस के बाद जो हमें पढ़ना है वो है पोस्ट मौर्यंस। पोस्ट मौर्यंस के बाद लास्ट टॉपिक इज गुप्तास। ठीक, पोस्ट मौर्यंस में और गुप्तास से पहले हम थोड़ा साउथ की तरफ भी चलेंगे, संगम एज ये सब चीजें, एंड देन वी विल एंड विद गुप्तास। परफेक्ट है? आई सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? ठीक है, परफेक्ट। कोई क्वेश्चंस किसी के, कुछ भी? आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, वो हम कल से ही करेंगे। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? नहीं, चलें फिर। ओके, नहीं, परफेक्ट है, कोई डाउट? देख लो, अभी भी तुम्हारे पास 3 मिनट हैं सोचने के लिए कि क्या क्या कोई। मोनोइस्टिक, मोनोथीस्टिक एंड व्हाट यू से पॉलीथीस्टिक। मोनोथीइज्म इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रिफॉर्म ओनली, बट मोनोथीइज्म इज समथिंग जिसमें क्या हो रहा है, मोनोथीइज्म में ये हो रहा है कि दैट व्हेन यू हैव टू मेनी गॉड्स, ठीक है, तो पीपल गेट टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर। व्हाट द फोकस इज दैट वी ओनली नीड टू हैव अ सिंगल गॉड, दैट इज नोन एज मोनोथीइज्म, या फिर व्हाट यू कैन से अद्वैता। ठीक है, अद्वैता। फिर आता है द्वैता, दैट इज डुअलिज्म। वो एक अलग कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन पॉइंट इज हैविंग मोर देन वन गॉड एंड गॉड एंड सोल आर डिफरेंट, वो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं। बट दे आर रिफॉर्म्स, बट दे आर रिफॉर्म्स इन देयर ओन मैनर। जरूरी नहीं कि रिफॉर्म्स में आप बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसा रिफॉर्म्स लेके आओ। रिफॉर्म्स ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उसको थोड़ा बहुत आपने रिस्ट्रक्चर करके एक नया आइडिया लेके आए। जैसे शंकराचार्य अद्वैता का जो आइडिया उनका आता है, यू हैव भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट में मीराबाई हैं, कबीर हैं, दे आर चैलेंजिंग द